हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान वनपाल और वन रक्षक के एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए जाएंगे। 21.95 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल इस परीक्षा में और 6 पारियों में परीक्षा होगी। सबसे अधिक केंद्र जो हैं जयपुर में होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 10 जिलों में और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 30 जिलों में होगी। वनपाल भर्ती 21.96 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। 3 दिन तक 6 पारियों में परीक्षा होगी। तो पूरी अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से यह परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। इसमें 21.96 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें 2.83 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों भर्ती परीक्षाओं में शामिल होंगे। अगर इनको एक बार जोड़ा जाए तो फिजिकल रूप से परीक्षा देने वालों की संख्या 19.13 लाख है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वनपाल भर्ती परीक्षा 10 जिलों में 6 नवंबर को और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 30 जिलों में 12 और 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी। वनपाल के लिए 10 जिलों में 1718 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 5,59,823 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसी तरह से वनरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 5,057 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 16,36,516 अभ्यर्थी भाग आजमाएंगे। वनपाल भर्ती परीक्षा 10 जिलों में अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर में होगी। यह परीक्षा अन्य 23 जिलों में नहीं होगी। इसी तरह वनरक्षक भर्ती परीक्षा 33 जिलों में से 30 जिलों में होगी, लेकिन 3 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में ये परीक्षा की आयोजित की जाएगी। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी जयपुर में देख सकते हैं आप लोग। इस परीक्षा में सबसे अधिक संख्या परीक्षा केंद्र जयपुर में होंगे। वनपाल में जयपुर में 215 केंद्र होंगे। इन केंद्रों पर दोनों पारियों में कुल मिलाकर 16,547 अभ्यर्थी शामिल होंगे 1,60,547 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वनरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जयपुर में 215 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 4 पारियों में कुल मिलाकर 3,19,061 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से बड़ी भर्ती परीक्षा है। वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा 9.13 लाख, रीट 16.40 लाख, LDC भर्ती परीक्षा 13.90 लाख, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 12 लाख, कांस्टेबल भर्ती 16 लाख, कांस्टेबल भर्ती 18.86 लाख, BDO भर्ती 14.92 लाख, पटवारी भर्ती परीक्षा 15.67 लाख अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है। देख सकते हैं आप लोग। हरि प्रसाद शर्मा जी बोल रहे हैं कि हमने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा को लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वनपाल के ई प्रवेश पत्र 28 अक्टूबर से, वनरक्षक भर्ती परीक्षा के ई प्रवेश पत्र 4 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। यानी कहने का मतलब गाइस ये कि कल से आप लोग वनपाल के एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे और फॉरेस्ट गार्ड के 4 नवंबर से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। वनपाल 2 पारियों में तो वनरक्षक परीक्षा 4 पारियों में होगी। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए बोर्ड वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा को 6 पारियों में आयोजित करेगा। इसमें 6 नवंबर को वनपाल पारियों 2 पारियों में, 12-13 नवंबर को वनरक्षक भर्ती परीक्षा 4 पारियों में होगी।